ओम तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण योग भ्रष्ट की बात कह रहे हैं। साधना करते करते योग भ्रष्ट हो जाना क्या होता है? साधना में परिपक्वता का न होना। बुद्धि समझ रही है पर मन फिर भी संसार को सत्य मान रहा है और उसकी तरफ खींच रहा है। जब मन काबू में नहीं है, जब इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, तो बुद्धि को ये दोनों ऐसे हर लेते हैं जैसे समुद्र में एक बड़ा तूफान चल रहा हो और एक छोटी सी नाव की जो बिसात होती है वो क्या टिक पाएगी उस बड़े तूफान के सामने। तो इसी तरह जो आपकी सद्बुद्धि है, जो आपका विवेक है, जिसके द्वारा आप समझते हैं कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, ये बातें समझ आई तो होती हैं पहले, अपने अनुभव के द्वारा भी समझ आई होती हैं। बार बार प्रकृति से पिटाई भी हुई होती है कई बातों में, पर फिर भी हम रिपीट करते हैं अपनी गलतियां। भगवान कहते हैं गीता जी के 67वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम एवाम्बसी। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब दोनों का संबंध समझना चाहिए और प्रायोरिटीज क्लियर करनी चाहिए हमें। और साधना होती ही क्या है? क्या मतलब होता है साधना का? हम साधना कर करके खुद को साध रहे हैं। जैसे कोई जिम में जाता है, एक साधना है ये, जिससे आप अपने शरीर को साधते हो। कोई बास्केटबॉल सीखता है, पहले दिन तो कोई चैंपियन नहीं बन सकता है। कोई फुटबॉल सीखता है तो बार बार अभ्यास करके जो शरीर और मन की पुरानी आदतें हैं, स्वभाव हैं इनके, उनको परे करना, उन पर पार पाना और नए स्वभाव गढ़ना। और बाद में अभ्यास करते करते ये स्वाभाविक हो जाते हैं नए स्वभाव। तो तामसिक राजसिक जो आदतें पड़ी हुई हैं जिस कारण से मन विक्षिप्त रहता है, चंचल रहता है और कभी कभी दुखी सुखी भी होता रहता है,
तो वो जो उन कारणों से खुद को उपराम करना, जिसके कारण मन विक्षिप्त रहता है, और फिर नई बुद्धि के ऊपर मनन करना ताकि नया मन गढ़ा जा सके, नई आसक्तियां पैदा की जा सकें, नया प्रेम पैदा किया जा सके, नया संतोष पैदा किया जा सके। पहले शायद मन खाने की तरफ भागता था, कपड़ों की तरफ भागता था, बढ़िया गाड़ी हो, धन हो, घर यहाँ हो, वहाँ न हो, यहाँ जाके रहना है, बस इन सारी बातों में ही खोया रहता था। ये एक पशु मन होता है जो इन सब बस खाने पीने तक ही जो मन सीमित रहता है। अब फिर आप समझते हो, आपकी बुद्धि कहती है कि इससे ऊपर भी कुछ है। तो बुद्धि एक मन को नया आयाम सिखाती है, नया पहलू सिखाती है जीने का, कि ये तो पशुवत जीवन है, अब आप इससे बाहर निकलो और जिस कारण से आपको मानव जन्म मिला है उसको सार्थक करो। तो आप फिर बुद्धि प्रधान बनने की चेष्टा करते हैं, इंद्रियों से मन को हटाते हैं और सत में लगाने की चेष्टा करते हैं, पर यह एक दिन में नहीं हो जाता है। जब तक मन अपरिपक्व है, अभ्यास की जरूरत होती है। तो आपकी साधक के लिए क्या मुश्किल है कि बुद्धि एक बात कह रही होती है और मन दूसरी तरफ उसको खींच रहा होता है, और बहुत बार मन जीत जाता है, फिर आपको समझाकर उसको वापस लाना पड़ता है। तो जो ये बुद्धि और मन का, जिनकी तरफ मन खींचा हुआ है, जो बहुत अच्छा लगता है इंद्रियों को, जैसे खाना पीना हो गया, यहाँ तक कि तारीफ हो गई, मन बस यही चाहता रहता है, तो वहाँ से हटाकर उसको सत्य में, परम सत्य में, परमात्मा के परम सत्य में लगाना, उसमें उसको स्थिर करना, उसके लिए आप मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो योग भ्रष्ट क्या हुआ कि जो इसके बीच में खड़ा है, न पूरी तरह परिपक्व हुआ और न उतना अपरिपक्व ही है, जान गया और मानना चाहता है पर पूरी तरह मान नहीं पाता। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार में आता जाता रहता है। यही बात श्री कृष्ण गीता जी में बता रहे हैं, छठे अध्याय में श्लोक हैं 37वें से आगे। अर्जुन पूछते हैं कि आप में श्रद्धा तो है पर मन अभी टिका नहीं है, तो ऐसे साधक की क्या गति होती है? क्या वह बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? ये मेरा संशय है, आप इसे दूर कीजिए। भगवान उसको जवाब देते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान लोगों के घरों में पैदा होता है, उससे पहले वो स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त भी होता है, और बहुत वर्षों तक वहाँ निवास करके फिर पुण्यवान लोगों के, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। या ऐसा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। जब वह जन्म ऐसा मिल जाता है उसे, तो वहाँ उस पहले वाले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात
जो उसने वहां सीखा था, जो सम बुद्धि रूप योग आदि सीखे थे उसने, उसके जो थोड़े संस्कार पड़े हुए थे उनको तो वो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। और हे गुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा प्राप्ति की सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयास करता है। क्या खूबसूरत बात है। भगवान समझ रहे हैं कि मेरी माया बहुत दुस्तर है, मैंने ही रची है ये, इसको पार पाना कोई आसान नहीं है। तो जो थोड़ा भी सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, उनका वो प्रयास योगक्षेमम वहाम्यहम, वहां भगवान कहते हैं एक जगह कि जितना आपने प्राप्त कर लिया है भौतिक लोक में ही नहीं, आपके आध्यात्मिक विषय के बारे में भी ये बात है कि जितना आपने प्राप्त कर लिया है वो तो आपको दे ही दिया गया, उसको मैं अब संभालूंगा। अब वहां से आगे आपकी यात्रा दोबारा से शुरू होगी। तो जैसे आप मान लो कि एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आपको एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना है, तो इसमें कोई सीधी चढ़ाई नहीं होती है, बीच बीच में खाइयाँ आती हैं, वैलीज आती हैं, आप फिर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, तो जो पिछली चोटी थी उसके फिर नीचे जाते हैं, फिर अगली चोटी की तरफ बढ़ते हैं, अगली चोटी पिछली चोटी से ज़्यादा ऊपर होती है। उसी तरह अभ्यास करते करते आपकी परिपक्वता, आपकी मेच्योरिटी, स्पिरिचुअल राइपनेस आपकी और सुदृढ़ होती जाती है, आपकी मन में बुद्धि में क्लैरिटी और गाढ़ी होती जाती है, फिर इंद्रियों के विषयों का आप पर प्रभाव नहीं पड़ता। जिस चीज़ के लिए दुनिया मरती है आप उसको तुच्छ, काकविष्ठावत कहते हैं शंकराचार्य, कि काकविष्ठावत मानते हैं धन को, नाम शोहरत को, भोग आदि को, आपका मन ही नहीं जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता, शनै शनै रूपरमेत, भगवान कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मन उपराम होता है अभ्यास करते करते। तो ये साधना की प्रक्रिया है। हमको अपने ऊपर तो ये समझनी ही है, बाकियों के ऊपर, दूसरे बाकी साधकों के ऊपर भी ये समझनी है कि सब स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल में गलतियां, चूक होती ही है। तो इसको बुरा ना माने, किसी का तिरस्कार ना करें, किसी की हंसी ना उड़ाएं। ठीक है, साधक हैं, अब कोई पहली बार में ही तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कह के इस बात में स्थिर नहीं हो जाता है, कह दिया स्थिर होना चाहता है शायद, और फिर कोशिश कर रहा है। तो जो बात हम पर खुद पर लागू होती है वही सब पर लागू भी करें, ताकि सबके प्रति हमारे मन में कॉम्पैशन हो, करुणा, प्रेम हो, समझ सकें हम सबको कि वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। साधक ही नहीं, जो लोग साधना नहीं भी कर रहे हैं वो भी अनकॉन्शियसली एवरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, गंगा जी स्वतः ही समुद्र की तरफ जा रही हैं, तो अनकॉन्शियसली तो हो ही रहा है। और उसमें कभी जाने अनजाने बुद्धि प्रधान हो ही जाते हैं और फिर बहुत ही झटके से वो भूल जाते हैं, जो भी बुद्धि समझ रही थी, जो भी अनुभव ने समझाया था वो भूल जाते हैं, फिर मन इंद्रियां आदि हावी पड़ जाते हैं। तो हमको समझना है सबको, साधक हों या साधक न हों, कॉन्शियस साधक हों या अनकॉन्शियस साधक हों, इसको ऐसे समझ लेते हैं। बढ़ तो सभी रहे हैं, कॉन्शियसली बढ़ेंगे तो हम उसको नॉर्मली साधक कह देते हैं, प्रैक्टिशनर सीकर कह देते हैं, मेडिटेटर कह देते हैं, अनकॉन्शियसली भी उसी तरह पढ़ा जा रहा है। तो सबको समझें, एक्सेप्ट करें, तीनों गुणों के खेल को भगवत रचित माने, इंसान रचित नहीं है ये,
भगवत रचित है, और जो भी भगवत रचित है उसमें गलती नहीं देखनी है। ये भी योग भ्रष्टता से बाहर निकलने का अति उत्तम साधन है। समता का हर व्यक्ति के साथ अभ्यास एक बात, और हर परिस्थिति में अभ्यास दूसरी बात। पहली बात से आप त्रिगुणातीत होते हैं, दूसरी बात से आप द्वंद्वातीत होते हैं। पहली बात से आप जो गुणों का, तीन गुणों का खेल नजर आ रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई लोभी है, कोई कामी है, कोई साधक है, कोई सिद्ध है, जो भी हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण एक तरफ हो, और गाय है, हाथी है, कुत्ता है, कोई पापी है, कोई छोटी बड़ी जात का मान रहे हैं आमतौर पर लोग, आप सब में सम रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं देखते हैं, ये भी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो जैसे जो बातें हम अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं, वही बातें हम सब पर लागू करें, सबको समझें। तो ये त्रिगुणातीतता के लक्षण होंगे, और द्वंद्वातीतता किसी भी परिस्थिति में भी सम रहना, कभी मान होगा कभी अपमान होगा, कभी धन आएगा कभी धन जाएगा, कभी सक्सेस होगी कभी फेल्योर होगी, सर्दी गर्मी चलते ही रहते हैं, हर समय तो वसंत रह नहीं सकती है, तो कभी कंफर्ट है कभी डिसकंफर्ट है, कभी आपको लोग प्यार कर रहे हैं कभी आपको लोग प्यार नहीं कर रहे हैं या दुत्कार रहे हैं, कुछ भी हो, सब परिस्थितियों में सम रहना ये द्वंद्वातीतता के लक्षण हैं, द्वंद्वातीतता का अभ्यास है। ये दोनों ही अति आवश्यक हैं योग भ्रष्टता से बाहर निकलने के लिए, और योग में यानी ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, ध्यान योग में स्थिर होने के लिए, इसके बिना नहीं हो पाएगा। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारी बुद्धि अति परिपक्व हो, उनके ज्ञान में, विज्ञान में, भक्ति में, समर्पण में, वैराग्य में। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ह्योम तत्सत्।